मैथमेटिक्स इजी 12 एपिसोड में एमटीटी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता है और माइंड को कूल रख के संपूर्ण वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैथमेटिक्स दैनिक जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है गणित। बिना गणित का जीवन निर्जर है। गणित आसान है, गणित को कठिन बना दिया गया है, जिस कारण से बच्चे भागते हैं गणित से, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डिस्काउंट। हम दुकान जाते हैं, दुकान में कहा जाता है इस पर 20% छूट है, 5% छूट है। बिना लाभ का कोई दुकानदार बेच नहीं सकता है, इस बात को आप जान लें। एक से एक स्कीम निकालता है जिसमें गणितीय प्रक्रिया छुपी रहती है और उसको लाभ प्राप्त हो जाता है और उसका सेल भी हो जाता है। इसको हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा से समझाएंगे। एक सामान है जिस पर बोल रहा है जो 10%, 20%, फिर 50% हम डिस्काउंट देंगे। अर्थात ऐसे आप समझें जो 3 काउंटर लगी हुई है एक टीवी की, और उस पर इस काउंटर पर रसीद कटवाया, 10% डिस्काउंट है मिला, फिर दूसरे काउंटर से उसको 20%, फिर तीसरे काउंटर से 50% डिस्काउंट उसको दिया गया, और इस प्रकार वह सेलिंग मेथड अपनाता है दुकानदार या कंपनी जो भी है सेलर। तो अब देखिए 50, 60, 70, 80% वो डायरेक्ट क्यों नहीं डिस्काउंट एक ही बार दे दिया? ये बार बार वो क्यों दे रहा है? क्रमिक रूप से डिस्काउंट क्यों दे रहा है, छूट क्यों दे रहा है? सबसे पहले छूट को देखें। सबसे पहले हम छूट को सिंपली समझते हैं। 500 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो ये सिंपली हम निकाल सकते हैं 500 का 20%, अर्थात ये 5 × 10 यानी 100 रुपये छूट दे रहा है, यानी 500 का वस्तु जो है 100 रुपया कम करके 400 में हमको दे रहा है। यही है डिस्काउंट का अर्थ। चूंकि इसको हम समझ रहे हैं, हमें जाना है इस पर क्रमिक बट्टा पर। यहाँ हम अब देखिए ये 80% छूट नहीं दे रहा है, और ये कितना छूट दे रहा है और वो क्यों इसको इस विधि में लाया? वो डायरेक्ट तो बोल सकता था जो 80% डिस्काउंट देंगे, अर्थात 100 रुपया में 80 रुपया छूट देंगे, 100 रुपया का सामान आपको 20 ही रुपया में देंगे। नहीं भैया, वो स्कीम को लाता है 10%, 20%, 50%। देखिए इस खेला में उसको क्या फायदा है। इस फायदे को देखने के लिए आप देखें, मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है, सबसे पहले 10% ये बट्टा देता है, छूट देता है। तो ये 10% छूट दिया, तो अर्थात सबसे पहली बार उस वस्तु 100 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये का छूट दिया, 10 रुपीज का छूट दिया, यानी अर्थात ये 100 रुपीज का सामान 10 रुपया कम करके 90 रुपीज में दे देता है। अब 90 रुपीज में देता है, इस 90 रुपीज पर पुनः 20% डिस्काउंट देता है। चूंकि यहाँ ये देख लीजिए मूलधन घट गया, इसका 20% कम होगा, 100 रुपया का 20% हो जाता ज़्यादा 20, और 90 रुपया का 20% हो जाएगा 18,
ये देख लीजिए 18 रुपया छूट दिया है, हाँ यानी 90 रुपया में से 18 रुपया कम कर देगा इस काउंटर पर। तो 90 में से 18 गया, 2 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7, यानी 72 रुपीज में 90 रुपया का वस्तु देगा दूसरी ट्रिप में। अब तीसरा ट्रिप 72 रुपया आया, इस 72 रुपये में जो वस्तु का अभी कीमत ले रहा है उस पर पुनः 50% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 72 का 50%, 50/100 अर्थात 50 × 100 236, यानी 36 रुपया इस पर वो पुनः छूट दिया। 72 × 36 अर्थात ये 36 रुपया छूट दिया, यानी 36 रुपया छूट दिया, 72 रुपये का वस्तु फिर 36 रुपये में वो दे देता है। अगर ये अब देखिए 36 रुपये में दे देता है तो अर्थात छूट कितना दिया वो, क्योंकि 100 रुपया का वस्तु था तो उसमें से हम 36 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 72%, ये 74% 0 में 6 4 और यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6 अर्थात ये